सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, बट देयर आर ओपी चेस्ट का ओपी लूट, मतलब डायमंड का आर्मर या फिर एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल या फिर बहुत कुछ हो सकता है, हमको एक स्टैक डायमंड ही मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं वीडियो के पहले ही स्पॉन हो चुका था एक विलेज में और मुझे सामने देख गया बहुत सारा हेबेल, तो मैंने हेबेल कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे हेबेल कलेक्ट कर लिया, तो मुझे ऊपर भी बहुत सारे हेबल दिख रहे थे, लेकिन मैं लेना चाह रहा था। लालच बुरी बुलाया दया। कोई नहीं, मैं नहीं लिया। ओके। तो मैंने माइनक्राफ्ट का रूल पालन करते हुए ट्री काटा सबसे पहले। वेल डन। यहाँ से 4 लॉग मिल गए थे। उसके बाद मुझे एक देख गया था लेदर का हाउस, उस हाउस में जरूर एक चेस्ट होगा। मैंने पेड़ लगाओ नेचर बचाओ इस डायलॉग को मैंने पूरा किया, और तुम भी ये फॉलो करना। तो मुझे चेस्ट दिख गया था, मैं बहुत ही नर्वस हो चुका था इस मोमेंट पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या लूट मिलेगा। ओह माय गॉड, वाओ, व्हाट भाई साहब, ये लूट है भाई। 3 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और यहाँ पर शायद 20 से ज्यादा डायमंड है। हाँ मैं श्योर हूँ। हाँ ओ भाई साहब, क्या हेलमेट और चेस्ट प्लेट है भाई, मैं पागल हो जाऊंगा भाई। नहीं ओके भाई, ये लूट है क्या? इतना खतरनाक भी नहीं होना चाहिए भाई। तो इंडर ड्रैगन की तो आज खैर नहीं भाई। तो मुझे सामने और एक लेदरर का हाउस मिल गया। ये लेदरर का हाउस है, मैं श्योर नहीं था। तो चेस्ट चलो ओपन करते हैं। रेडी। ओ भाई, यहाँ पर भी गोल्डन एप्पल है, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर भाई डायमंड के पैंट्स भी है, लेगिंग्स, चड्डी। यहाँ पर हेलमेट भी है बहुत सारा, मैं एक्स्ट्रा आर्मर भी उठा लूँगा क्योंकि अगर आर्मर डैमेज हो गया। यहाँ पर मुझे एक आयरन का अच्छी सी शॉर्ट भी मिल गई जिसका अटैक डैमेज 11 था। और कुछ लेने के लिए मुझे यहाँ पर नहीं था, तो मैं चला गया इसके पहले एक्सप्लोर करने। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा था कि और किसी हाउस में चेस्ट है क्या, तो मुझे यहाँ पर तो कोई चेस्ट वाला हाउस नहीं दिख रहा था। तो मैं चला गया टूर में और मैं यहाँ से जा ही रहा था, तो रास्ते में मुझे एक और हाउस दिख गया। ये बहुत बड़ा हाउस था, तो मुझे लगा यहाँ पर शायद चेस्ट हो सकता है, और मैं ऐसे ही था, यहाँ पर भी एक चेस्ट था। तो मैंने जब खोला भाई, यहाँ पर से इतने सारे डायमंड निकले कि मेरा सिर फट गया। ओ भाई, यहाँ से मुझे चेस्ट प्लेट भी मिल गई। कुछ चेस्ट प्लेट हम नहीं लेंगे, कर्स ऑफ बाइंडिंग लगा है इसमें। तो चलो हम अब चलते हैं एक डेजर्ट टेम्पल लूटने, क्योंकि डेजर्ट टेम्पल ज़्यादा मुश्किल नहीं है पाना, और मैं ये गेट से निकल ही नहीं पा रहा था। तो उसके बाद मैंने बहुत सारा स्टोन माइन किया क्योंकि मुझे एक फर्नेस बनाना था। तो मैं बहुत सारा स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कोबल स्टोन भी बहुत सारा माइन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से उतर गया, मतलब ऊपर गया। उसके बाद मुझे सामने ही बहुत सारे आयरन दिख रहे थे, तो मैंने सबसे पहले एक फर्नेस बना लिया। यहाँ पर मुझे आयरन मिल गया था, तो यहाँ पर से मैंने आयरन भी माइन कर लिया। तो भाई, अगर इस वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही कॉन्टेंट हम लाते रहेंगे। यहाँ पर मुझे एक विलेजर मिल गया था, तो उसको उठा के महस हो गया, सॉरी विलेजर। तो अगली सुबह उठकर ही मैं मेरे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया था। तो उतने देर में विलेजर अंकल के साथ थोड़े ही मजाक कर रहा था, ए अंकल मार खाओगे क्या? और मैं मजाक करते करते ही विलेजर मर गया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। किसी ने कुछ नहीं देखा, अगर कमेंट में किसी ने ये लिखा ना। तो उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लिया और वाटर बकेट लेके मैं निकल गया डिजर्ट टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं जाते जाते मुझे यहाँ पर डिजर्ट टेम्पल तो नहीं मिला, लेकिन जंगल टेम्पल मुझे मिल गया। इस चेस्ट में मुझे और भी सुपर आइटम मिल गए थे, और मैं यहाँ से एरो भी लेके जाने वाला था, और मैंने यहाँ से बहुत सारा एरो ले लिया। उसके बाद मैं रास्ते में मुझे एक रुइन पोर्टल भी मिल गया था, लेकिन क्यों मुझे पता नहीं इस रुइन पोर्टल के चेस्ट में कुछ खास नहीं था, तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा। और यहाँ पर से मैंने जो ऑब्सिडियन मिला था वो सारे ऑब्सिडियन को मैंने ले लिया। मुझे बहुत सारे इंडरपल भी कलेक्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर मुझे इस वीडियो में 4-5 इंडरमैन मिल गए थे,
और मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग 3 लगी हुई थी, इसीलिए मैं जब भी किसी एंडरमैन को मार रहा था तो मुझे 3-4 एंडर पर्ल मिल जा रहे थे, और मेरा पहला जो एंडरमैन था उससे मुझे कुछ भी नहीं मिला। सैड लाइफ। उसके बाद मुझे बहुत सारे एंडरमैन मिले, तो उनको मैं मारता रहा, और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी निकल गई। तुम लोगों के चक्कर में मेरा पूरा ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, तुम लोग एक लाइक भी नहीं करते, शर्म करो लॉन्डो। लॉन्डिया अगर है तो सॉरी, अब भी लाइक कर दो। क्या बढ़िया था गुरु। कोई बात नहीं। और मुझे मेरा 15 एंडरपल कलेक्ट हो गया था, तो मुझे अब जाना था नीदर पे ब्लेज रॉड लाने के लिए, और मैं यहाँ पर मेरा नेदर पोर्टल बनके तैयार हो चुका था। तो तैयार होने के बाद मैं नेदर पोर्टल को अपने लाइट अप किया और चला गया नेदर में। ओके। और भाई मैं क्या ही बोलूँ, मेरा स्पॉन नेदर में इतना ख़राब होता है हमेशा कि मैं भाई क्या ही बोलूँ, मेरा दिमाग फट रहा है। सोल सैंड वैली में कौन स्पॉन होता है भाई। तो मैं यहाँ पर मेरा जो नेदर फोर्टेस खोजने का काम था वो मैंने जारी किया, और यहाँ पर मैंने एक बो भी बना लिया। भाई मैं आधे घंटे से नेदर फोर्ट्रेस खोज रहा हूँ भाई, एक नेदर फोर्ट्रेस तो दिला दे भाई प्लीज़। भाई मेरा मन ही नहीं कर रहा नेदर फोर्ट्रेस खोजने का, तो मैं बहुत दिन तक नेदर फोर्ट्रेस खोजता रहा लेकिन मुझे नहीं मिला, अफसोस। तो मैंने अपना ऑब्सिडियन को कलेक्ट कर लिया और मैं no, God, जिसको ढूंढा no. मैं गली गली, वो मुझे मेरे स्पॉन के नीचे मिली। मेरा दिमाग फट रहा था तभी एक स्केलेटन ने मुझे पीछे से धक्का मारा और मैं गिर गया नीचे। मेरा किस्मत अच्छा था कि मैं नीचे नहीं गिरा, तो मेरा गेम तो पूरा ख़त्म था। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्केलेटन को भी मारे, और सामने ही मुझे एक ब्लेज दिख रहा था। तो उस ब्लेज को जब मैंने बो से मारना शुरू किया तो साइड से मुझे स्केलेटन ने भी मारना शुरू कर दिया, आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो। तो मेरा ज़िंदगी इतना ख़राब है, और मैंने दो भाई के की बीच में मैंने फाइट करा दिया, और यहाँ पर एक ब्लेज रॉड ड्रॉप कर दिया था एक ब्लेज ने, तो मुझे वो ब्लेज रॉड भी लेने जाना था। सबसे पहले मुझे स्केलेटन को ख़त्म करना था, तो मैंने स्केलेटन को ख़त्म करने के बाद ही चला गया सामने वो ब्लेज रॉड को उठाने के लिए। कच्चा कच्चा बादाम खाओ और वीडियो को लाइक दे के जाओ। पेट पूजा करके 3-3 स्केलेटन मुझे यहाँ पर विदर स्केलेटन मिल गए थे, तो मैंने उनको मार डाला पूरी तरीके से, और विदर हेड मिलना तो भाई कितना मुश्किल है। तो मुझे यहाँ पर एक ब्लेज स्पॉनर मिल गया था, और मैंने ब्लेज को जो धनाधन दिया क्या ही बोलो। यहाँ पर से मैंने जब भी एक ब्लेज रॉड कलेक्ट किया, पीछे से मुझे 3 ब्लेज दिखे एक साथ, तो मैंने ब्लेज को मारना शुरू किया। जो मैंने एक को मारा वो ड्रॉप किया, और एक को मारने के साथ साथ ऊपर से 2 टपक गए, और 2 को जब मारा और एक साइड से आ गया, उसको जब मारा ऊपर से और एक आ गया। भाई कितना ब्लेज आओगे भाई, मुझे इतना सारा ब्लेज रॉड नहीं चाहिए भाई साहब, इतना सारा ब्लेज, जिंदगी झंड हो गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो फाइनली मेरे पास 11 ब्लेज रॉड्स हो चुके थे, इसका मतलब मैं जा सकता हूँ अब इनर ड्रैगन को मैं कूदने जा सकता था। और यहाँ पर मुझे और ब्लेज रॉड मिल गए भाई, तो मुझे और फाइट ही नहीं करना था, तो मैं डायरेक्ट चला गया अपने नेदर पोर्टल के पास, और यहाँ पर एक फिर से मेरे लिए वेट कर रहा था। तो अब मुझे जाना था, तो मैं अगर भाई मेरे वीडियो बनाने में थोड़ी सी गलती हो रही है तो आप लोग माफ़ कर देना, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ। तो मेरा स्पॉन पॉइंट इतना ख़राब था भाई केव में, मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। जब मैं उल्टा मुड़ा तब मुझे दिखा कि मैं तो भाई केव के एकदम ऊपर स्पॉन हुआ हूँ, मतलब एकदम साइड में। तो मैं चला गया था स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने, तो यहाँ से मैंने इंडर आए जो थे उसको मैंने कलेक्ट कर लिया, और रास्ते में एक स्पाइडर मिल गया। मारो हमको मारो। यहाँ से मैंने गलती से 2 भाई इंडर आए, हाँ इसको फेंक दिया था, तो मैं डरने लगा कि मेरा खो तो नहीं गया। तो यहाँ पर से मुझे फिर से मिल गया भाई, जो दिल में धड़क धड़क हो रहा था भाई तब, समझ रहे हो। तो मैं चला गया एक्सप्लोर करने अपने इंडर ड्रैगन के घर को। तो यहाँ से मैं जा ही रहा था तो रास्ते में मुझे मिल गया एक विलेज। तो मैं जब विलेज में जा रहा था तो मुझे एक ड्रोन मिल गया जिसके हाथ में था एक ट्राइडेंट। तो मैं ये ट्राइडेंट वाले ड्रोन को एक शॉट और लास्ट एक शॉट मारा, तो भाई इसने ट्राइडेंट ऑफ कर दिया।
तो मैं भी खुशी से पागल हो रहा था, इसने फिर मैंने मेरे जो इन्वेंटरी फुल हो चुका था तो मैंने अपने इन्वेंटरी को खाली किया और मैंने अपने ट्राइडेंट को लिए लिया। तो मैं विलेज में जा रहा था, विलेज के अंदर जाने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका था अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में। भाई मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते ढूंढते पागल हो जाऊंगा भाई, मैं बुरा हो जाऊंगा। नहीं, तुम लोग तो 10-15 मिनट के वीडियो देख देख के चले जाते हो, लाइक भी नहीं ठोकते। और मैं यहाँ से आधा घंटा हो गया, मेरे को आधा घंटा मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही नहीं रहा भाई। भाई साहब, भाई मेरे से और नहीं सहन हो रहा। मैं क्रिएटिव में जाया, नहीं मैं सिर्फ एंड फ्रेम को लिया हूँ, नहीं इसको मैं लगाऊंगा, नहीं और बाकी जो आइटम मैं कुछ नहीं लूंगा क्रिएटिव से। आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगा। ओके, का रास्ता खुल गया तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने कुछ नहीं लिया चीटिंग करके, देख लो जो एंड फ्रेम थे उनको मैं अभी फेंक दे रहा हूँ और उसको मैं आग में भी जला दूंगा। तो मैंने ये आग में जला डाला, कुछ तो होना अब, तो लेट्स किल। तो मैं एंड वर्ल्ड में तो आ चुका था, तो आके मैंने सबसे पहले यहाँ पर बिल्ड करना शुरू किया और भाई जिसके लिए फाइनली मैं यहाँ पर आया था वो काम पूरा होने चला है। तो यहाँ से मैं खतरनाक तरीके से बिल्ड करना शुरू कर दिया था। तो बिल्ड करते करते मैं पहुँच चुका था यहाँ पर और आते ही मैंने धपा धप क्रिस्टल तो यहाँ पर मैंने क्रिस्टल फोड़ने का ट्राई किया और मैंने जब क्रिस्टल पे मारा वो एंडर ड्रैगन के शरीर में लग गया। तो यहाँ पर वो भाई साहब एंडर ड्रैगन मेरे ऊपर कितना खतरनाक अटैक कर रहे हैं भाई। मेरे शील्ड अगर यहाँ पर नहीं होता तो मैं ज़रूर मार जाता। तो उसके बाद एंडर जो देखो भाई यहाँ पर एंडर मैन ने जो मारा भाई, मैं एक हर्ट पे यहाँ पर बचा था। तो मुझे यहाँ पर एंडर मेरा तो भाई क्या बोल रहा हूँ, एन्चेंटेड एप्पल जो था वो मुझे खाना पड़ा। तो एन्चेंटेड एप्पल खाने के बाद मैंने धपा धप सारे क्रिस्टल को फोड़ना शुरू किया और सारे क्रिस्टल को फोड़ने के बाद जो हुआ वो आपने सोची भी नहीं होगी। क्या सोची नहीं होगी, बूम, और एंडर ड्रैगन के मैंने हाफ हेल्थ में ला दिया और हाफ हेल्थ में लाने के बाद मैंने इसके सिर में पटक पटक के मारना शुरू किया। तो उसके बाद एंडर ड्रैगन उड़ गया भाई, भाई नीचे आ जा। और इसने मुझे मेरे ऊपर जो फायर चार्ज से मारना शुरू किया भाई, इसको मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही खतरनाक अटैक कर रहा है। तो ये नीचे आ गया था तो मैंने इसको बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू किया और ये लास्ट ब्रीथ पे आके ये उड़ गया भाई। मुझे इतना बुरा लगा, तो मैं इसको बोर से मारना चाह रहा था तो मेरा शॉट मिस हो गया। मैंने गलती से मेरे हाथ से एक तीर निकल गया, वो एंडर ड्रैगन के सिर में लग गया और एंडर ड्रैगन यहाँ पर ही मर गया। तो भाई इतने मेहनत के भाई 5-6 घंटे के मेहनत के बाद अपना ये वीडियो अभी जाके पूरा हो रहा है। अगर आपने लाइक नहीं दिया तो भाई प्लीज़ लाइक दे दो भाई। गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है मेरे कमेंटेटरी को छोड़ के तो भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और हमारे चैनल पे बने रहो ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए। मैं जानता हूँ मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं होता लेकिन धीरे धीरे मैं अपने अंदर भी अपग्रेड करूँगा। सो बाय बाय, गुड बाय फॉर माइनक्राफ्ट।